प्रधानमंत्री आवास योजना की जांच सही से न किए जाने के विरोध में नगर पंचायत महाराजगंज के सभी सभासदों ने जिलाधिकारी नेहा शर्मा को एक ज्ञापन सौंपकर फिर से निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सभासदों को आश्वासन देते हुए कहा है कि जल्द ही दूसरे सक्षम अधिकारियों से पात्रता की जांच कराई जाएगी। जो व्यक्ति पात्र हैं वह जांच में छूट गए हैं, वह लोग प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना से वंचित नहीं रह गए। आपको बता दें कि महाराजगंज नगर पंचायत के सभासद अंकुर गुप्ता, विजय धोनी, शिवकांति, अरविंद त्रिपाठी, जुलेखा बानो, रामकुमार यादव, फिरोज अहमद, नूरुल हसन आदि सभासदों ने जिलाधिकारी नेहा शर्मा को दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि महाराजगंज नगर पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आवास विहीन पात्र व्यक्तियों का आवेदन कराया गया था। आवेदकों की जांच के लिए तहसील के कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था, जिसमें 139 व 189 की सूची नगर पंचायत द्वारा जांच के लिए तहसील भेजी गई थी, जिसमें काफी आवास विहीन एवं पात्र व्यक्तियों का नाम छूट गया है। अतः सभासदों ने उपजिला अधिकारी से 139/189 की सूची का पुनः जांच कराकर जो लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह गए हैं उन्हें आवास दिलाया जाए, क्योंकि पात्र व्यक्ति आवास विहीन व पात्र विहीन न रह जाएं। आइए देखते हैं, रायबरेली से हमारे संवाददाता रजनीकांत अवस्थी की है खास रिपोर्ट। नूरुल, प्रधानमंत्री आवास के संबंध में आप लोगों ने डीएम को एक ज्ञापन दिया है, तो किस संबंध में दिया है ज्ञापन, उसके बारे में विधिवत जानकारी दें। हम लोग डीएम को इसलिए ज्ञापन दिया है कि प्रधानमंत्री कोई गरीब पात्र छूटने ना पाए। जी, जो नई है उसमें कुछ गलतियां लेखपाल की हुई है, जैसे कि पुराने लोगों के डांट पड़ी हुई थी उनको लेखपाल ने रिजेक्ट कर दिए। जी, इसी के संबंध में हम लोग लेखपाल वो डीएम पास गए थे, इनकी पुनर्जांच हो और जितने लोग छूटे हैं उनकी ज्यादा कॉलोनियां हो, गरीबों को फायदा हो। राम कुमार जी, एक सभासद है आप महाराजगंज के और डीएम को ज्ञापन दिया है आप लोगों ने, तो किस संबंध में ज्ञापन दिया है और डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है उस बात को लेकर? सर, जो गरीब तबके के लोग अभी मतलब जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में काफी अपात्र लोग छूट गए हैं, जिससे शासन का जो आदेश है कि गरीब को झोपड़ी मिले, मकान मिले, जिससे कि हम लोग इसलिए डीएम को ज्ञापन दिया है कि मतलब जो है गरीब ज्यादा से ज्यादा गरीबों को मतलब आवास मिल सके, जो शासन की मंशा है उसको मतलब प्रधानमंत्री आवास मिल सके, इसके लिए हम लोग डीएम को ज्ञापन दिया कि जो है फिर से पुनः जांच करवा दी जाए, जो पात्र छूट गए हैं उनको भी आवास मिल जाए। थैंक यू। विनीत, सभासद प्रतिनिधि हैं और डीएम आवास पर गए थे उनको एक ज्ञापन देने, तो किस संबंध में ज्ञापन दिया है तो डीएम ने क्या आश्वासन दिया है आपको? डीएम ने आश्वासन दिया है कि आप लोगों का काम होगा और हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि जो गरीब पात्र व्यक्ति छूट गए हैं उनकी पुनः जांच की जाए और जो लाभार्थी छूट गए हैं उनको फिर से जो है जांच करके उनका कॉलोनी का काम किया जाए। इसी वजह से हम लोगों ने जो है डीएम को ज्ञापन दिया, उनसे अनुरोध भी किया गया, उन्होंने आश्वासन भी दिया उन्होंने कि ठीक है आप लोगों का। रवितोष जी, सभासद प्रतिनिधि हैं आप और रायबरेली गए थे, डीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा है आप लोगों ने, तो किस संबंध में ज्ञापन सौंपा है तो और एसडीएम डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया उस संबंध में? डीएम साहब ने कहा है कि डूडा ऑफिस को मतलब तुरंत उनको बता दिया गया है कि पूरी तरह से उसका छानबीन किया जाए और लेखपाल से शायद उनको हटा कर दूसरा भी रखा जाए, जिससे जो अपात लोग छूट गए हैं पात्र किए जाए और कोई भी गरीब का जो कच्चा घर है वो कच्चा ना रहे, पक्का रहे पूरे टाउन में। थैंक यू। धोनी, डीएम को जो ज्ञापन सौंपा है उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे नगर पंचायत महाराजगंज में जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी चल रही है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो इस योजना का शुभारंभ किया था कि लोगों के छत पक्के होने चाहिए, लोगों को मकान हो और उनका रहन सहन अच्छा हो, इस वजह से डूडा के द्वारा आवास महाराजगंज नगर पंचायत में आवंटित किए गए। जी, लगभग 289 कॉलोनियां महाराजगंज में ऑलरेडी बन गई हैं, कुछ उनमें बन रही हैं और फिर से लाभार्थियों ने और पात्र व्यक्तियों ने फॉर्म डाले थे जो स्वीकृत हुए
और स्वीकृत होने के बाद दो सूचियां बनी, एक 149 की और 189 जी। दोनों सूचियों को ले जाकर के हमने पहले उप जिलाधिकारी महोदय महाराजगंज को उस पर जांच करने के लिए कहा गया, तो डीएम और वो जिला अधिकारी महोदया ने लेखपाल के द्वारा महाराजगंज में जांच करवाई, जिसमें 149 में केवल 5 लोगों को पात्र किया गया। उसके बाद 189 की सूची आई, उसमें जो है 68 लोगों को पात्र किया गया, लेकिन अभी भी महाराजगंज नगर पंचायत में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो पात्र हैं, जिनको आवास की सख्त आवश्यकता है, जो वंचित रह गए हैं, उन्हीं लोगों के लिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय जी के पास जाकर के हमने ज्ञापन दिया कि उनपे पुनः जांच कराई जाए, जिससे हर गरीब के सर पे छत हो और उनको एक अच्छा सा मकान मिल सके। थैंक यू।